हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा वेक्टर का प्रॉब्लम, जो जेईई मेन एग्जाम में 9th अप्रैल को 2019 में शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है इसको देखते हैं। लेट एक वेक्टर अल्फा 3i + j, एक वेक्टर अल्फा दे रखा है एंड एक वेक्टर बीटा 2i - j + 3k, मतलब दो वेक्टर अल्फा एंड बीटा आ गिवन। इफ बीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, बीटा 1 - बीटा 2। वेक्टर बीटा को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, बीटा 1 - बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू वेक्टर अल्फा। ठीक, तो बीटा 1 जो वेक्टर है वो कैसा है, अल्फा के पैरेलल है एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये अल्फा के कैसा है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। देन हमसे पूछा हुआ है बीटा 1 क्रॉस बीटा 2 इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल आएगा। ठीक स्टूडेंट, तो समझते हैं किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, क्या इसका तरीका होना चाहिए और क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर अल्फा गिवन है और एक वेक्टर बीटा गिवन है। ठीक है, दोनों वेक्टर हमको दे रखे हैं। नाउ सेकंड थिंग, बीटा 1 कैसा है, एक वेक्टर है जो कैसा अल्फा के पैरेलल है। हमको मालूम है कि अगर सपोज अगर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं, मान लो बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर गिवन है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि बीटा 1 इज इक्वल टू कितना रहा होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं। तो बीटा 1 वेक्टर कैसा आ रहा है, अल्फा के लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो बीटा 1 वेक्टर तो हमने लिख लिया। नाउ उसने बोला है कि जो बीटा 2 वेक्टर है वो कैसा, अल्फा के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अब आगे क्या करना चाहिए स्टूडेंट, एक बात आप समझो, बीटा 2 वेक्टर को मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं, सिंस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, बीटा 1 - बीटा 2। ठीक, इतना गिवन है, तो यहां से अगर आप बीटा 2 कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, बीटा 2 आ जाएगा हमारे पास बीटा 1 - बीटा। ठीक, दिस इज बीटा 2 आ गया। अगर मुझे बीटा 2 आगे कैलकुलेट करना है तो बीटा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा 1 वेक्टर। तो बीटा 1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर, अल्फा को मैंने लिख दिया 3i + j वेक्टर। ठीक, दिस इज बीटा 1 आ गया हमारे पास, तो बीटा 1 आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + j k कैप। ठीक, दिस इज बीटा 1 माइनस, बीटा का वैल्यू पुट करते हैं कितना है, 2i - j + 3k कैप। ठीक है, तो हमने बीटा का वैल्यू भी पुट कर दिया। नाउ बीटा 2 हमारे पास कितना जाएगा, आई की टर्म को मैं एक साथ लिखता हूं, आई तो हमने यहां ले लिया, आई की टर्म यहां पर आ रहा है और आई कैप का टर्म यहां पर भी आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3λ - 2। ठीक, नाउ जे के टर्म्स को ढूंढते हैं, एक लैम्डा जे इधर आ रहा है और प्लस जे यहां पर आ रहा है, तो जे की टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, जे कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा और इधर से कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब के कैप टर्म को ढूंढते हैं तो कितना आ रहा है, के का टर्म यहां पर आ रहा है, तो -3k कैप आ गया। क्लियर स्टूडेंट, तो हमारे पास बीटा 2 वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, बीटा 2 वेक्टर आ गया। ठीक, ये सभी वेक्टर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बीटा 2 वेक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। ना क्वेश्चन में गिवन है कि जो बीटा 2 है वो कैसा है, अल्फा के परपेंडिकुलर है। तो बीटा 2 अगर अल्फा के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या रहेगा, बीटा 2 डॉट अल्फा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा आना है, 0 आना है। ठीक, और अल्फा वेक्टर है क्या हमारे पास में, अल्फा वेक्टर है 3i + j कैप, मतलब इन दोनों का डॉट 0 आएगा। अगर दो वेक्टर का डॉट 0 आ रहा होता तो इसका मीनिंग क्या होता है, आई का आई वाले पार्ट से आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक, दो वेक्टर का हम डॉट कैसे निकालते हैं, कि आई वाले पार्ट को आई से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 को आप इस वाले पार्ट से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 × 3λ - 2। ठीक, ऐसे कुछ आ गया, जे वाले पार्ट को जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, λ + 1 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना गिवन है, 0 गिवन है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 6λ + λ, कितना आ जाएगा, 7λ आ जाएगा। ठीक, और यहां से कितना आ गया हमारे पास में, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना है, 3 × 3λ, कितना हो जाएगा, 9λ यहाँ से आ गया, +λ यहाँ से आ गया, तो डियर स्टूडेंट कितना जाएगा, 10λ, तो हमारे पास यहाँ से आ गया, -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, λ = ½ आ गया। ठीक स्टूडेंट, तो λ = ½ आ गया। ठीक, तो हमारे पास लैम्डा की अगर वैल्यू निकल आए तो हम एक काम करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास वेक्टर बीटा 2 आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास वेक्टर बीटा 1 आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले बीटा 1 वेक्टर लिखते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, हाफ यहाँ पुट कर दी, हाफ को जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा,
थ्री आई अपॉन टू प्लस जे अपॉन टू वैक्टर, ठीक, दिस इज बीटा वन आ गया। नाउ अब मुझे बीटा टू कैलकुलेट करना है, तो बीटा टू वैक्टर कितना आ जाएगा, तो लैमडा की वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे, हाफ को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, डियर स्टूडेंट ध्यान देना ना, यहाँ पुट करना है, तो हमें यहाँ पुट करना है और साथ में एक वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है, ठीक। तो लैम्डा इक्वल टू, जब मैं हाफ यहाँ पुट करूंगा तो थ्री बाई टू होगा, एलसीएम लेंगे तो माइनस फोर, थ्री माइनस फोर तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस आई अपॉन टू यहाँ से आ जाएगा, हाफ को जब यहाँ पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा ये, थ्री बाई टू इंटू जे कैप आ जाएगा, ठीक। और यहाँ कितना लिखा हुआ, माइनस थ्री के कैप लिखा हुआ है, ठीक स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर बीटा वन एंड बीटा टू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है, वेक्टर बीटा वन और बीटा टू आ गया, तो बीटा वन क्रॉस बीटा टू हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या रहता तरीका, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीटा वन क्रॉस बीटा टू मुझे फाइंड आउट करना है, बीटा वन क्रॉस वेक्टर बीटा टू, ठीक। उसका मुझे क्रॉस फाइंड आउट करना है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्रॉस कितना आता है, डिटरमिनेंट की हेल्प से हम निकालते हैं आई जे के कैप, तो यहां लिखा हमने ये आ जाएगा थ्री बाई टू, ठीक, यहां से आएगा हमारे पास वन बाई टू एंड दिस इज जीरो। नाउ यहां से मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई टू, थ्री बाई टू एंड माइनस थ्री, ठीक। इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो आई कैप इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ थ्री बाई टू आ जाएगा, ठीक। माइनस ऑफ जे कैप जब मैं लिखूंगा तो जे कैप में क्या करेंगे, इस एलिमेंट से पास करता हुआ रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, नाइन अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आ गया। तो कितना आएगा के कैप, एक काम ही करते हैं, इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इस एलिमेंट से पास करता है और रोअर कॉलम को डिलीट करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, नाइन अपॉन फोर तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का वन अपॉन फोर यहाँ आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट। इस वाले पार्ट को जब सिंप्लीफाई करोगे तो लिखा हुआ टेन अपॉन फोर, इट मीन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव अपॉन टू यहाँ लिख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप देखो ध्यान से, ओवरऑल से क्या आ रहा है हमारे पास में, एक वन बाई टू को मैं कॉमन ले लेता हूँ ना, ठीक, वन बाई टू जब हम कॉमन लेंगे तो वन बाई टू इसको मैंने कॉमन लिया, तो वन बाई टू अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया माइनस ऑफ थ्री आई कैप प्लस नाइन जे कैप प्लस फाइव के कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन को और मैच करें तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ठीक, तो सेकंड ऑप्शन, ठीक, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो विच वन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक स्टूडेंट। होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है, अच्छा प्रॉब्लम था, ध्यान देना चाहिए था आपको इस प्रॉब्लम को ना, एक से दो बार इसको ट्राई करना। ओके स्टूडेंट्स, एक बार प्रॉब्लम को फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझिए प्रॉब्लम में क्या दे रखा था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम प्रॉब्लम को। एक वेक्टर अल्फा दे रखा है, एक वेक्टर बीटा दे रखा है, और बीटा को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, बीटा वन माइनस बीटा टू, ठीक। बीटा वन को क्या अल्फा के पैरेलल दिया हुआ था, और बीटा टू को क्या अल्फा के परपेंडिकुलर दे रखा है। हमें क्या बीटा वन क्रॉस बीटा टू फाइंड आउट करना है, ऑब्वियसली बात है पहले हम बीटा वन और बीटा टू निकालेंगे, उसके बाद ही हम क्रॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, बीटा वन अल्फा के पैरेलल है, अगर कोई वेक्टर अगर उसके पैरेलल होगा तो उस वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स या स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं, तो बीटा वन तो ये आ गया। नाउ बीटा टू क्या दे रखा है हमारे पास में, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इस कंडीशन का हम यूज करते हैं, तो उससे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से बीटा इक्वल टू इतना गिवन है, तो बीटा टू फाइंड आउट कर लिया, बीटा टू आ गया, यहाँ पर बीटा वन और बीटा की वैल्यू पुट कर दी तो बीटा टू आ जाएगा, तो बीटा टू आ गया, इसका इसके साथ डॉट लिया, अल्फा के साथ में जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू हाफ आ गया, ठीक स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, बीटा वन वैक्टर आ जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पुट कर देंगे तो बीटा टू वैक्टर आ गया हमारे पास, दोनों वैक्टर्स आ गए, बीटा वन एंड बीटा टू, तो दोनों का हमने क्रॉस ले लिया, ठीक। तो क्रॉस लेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या ऑप्शन आया, सेकेंड ऑप्शन आया। यू कैन चेक ऑल्सो सॉल्यूशन, आप चाहो तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो जो अच्छी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको प्रॉब्लम क्लियर है, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक, आपको सॉल्यूशन भी क्लियर है ना। ओके, थैंक यू।